सबसे पहले मॉर्निंग ब्रेकिंग की बड़ी खबरें। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बना सकते हैं। गठबंधन की बातचीत के तहत पीडीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे बाहर से समर्थन दे सकती है। पीडीपी के पास 28 विधायक हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 और कांग्रेस के 12 विधायक हैं। तीन पार्टियों के पास कुल मिलाकर 55 विधायक हैं, जो कि बहुमत के जरूरी आंकड़े 44 से काफी ज्यादा हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी के नंबर दो नेता मुजफ्फर हुसैन बैग ने पार्टी छोड़ने की बात कही है। बारामूला के सांसद बैग ने कहा कि सज्जाद लोन की अगुवाई में तीसरा मोर्चा बना तो वो इसमें शामिल होने पर विचार करेंगे। Because of the mistakes committed in the past, particularly in 1987, militancy took root in the state of Jammu and Kashmir. In 1987, there was an alliance between NC and Congress. BJP ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में आतंकवाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। militancy का आना और militancy का पनपना जो है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी हद तक जिम्मेवार है। और जो अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के साथ हुई थी 1987 में, इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उस अलायंस की वजह से ही हालात ऐसे बने कि यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो उस तरह से आई जैसे कि 90s में आई, और जिससे रियासत को और पूरे मुल्क को जो है वो इतना सब कुछ जो है वो सहन करना पड़ा। कांग्रेस ने कहा कि उनकी वजह से कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ। कश्मीर के अंदर टेररिज्म से सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, और कांग्रेस पार्टी की जब जब कश्मीर के अंदर सरकार रही है वहां का आतंकवाद और टेररिज्म हमने खत्म करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन है। 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन के 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है। 19 दिसंबर तक यदि कोई पार्टी सरकार बनाने पर सहमत नहीं होती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।